6 अप्रैल से शुरू हुए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर मंदिरों में भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माता को प्रसन्न करते हैं। इस अवसर पर बर्फखाना स्थित श्री श्री बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव सिद्धपीठ में जन कल्याण, संक्रमित बीमारियों और देश की सुरक्षा के लिए मां बगलामुखी जाप के 36 लाख अनुष्ठान 61 ब्राह्मण कर रहे हैं, जो 17 अप्रैल पूर्ण आहुति के साथ समाप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए श्री श्री बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव सिद्धपीठ के सह पुजारी शत्रुंजय शुक्ला और पंडित गौरीशंकर शास्त्री ने कहा, बंगलामुखी यहाँ पर अनुष्ठान करवाया जा रहा है जन कल्याण हेतु, और इस जप से सभी प्रकार के रोग, दोष, व्याधियों का शमन भी होता है, और लोगों का चाहे जिस प्रकार की भी समस्या हो वो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। इस बंगलामुखी को जप करने में 1 से लेकर के 1000 ब्राह्मण करते हैं, और जितना ही अधिक इसका जप होता है उतना ही हमारे भारतवासियों के लिए कल्याण होता है, या किसी विशेष यजमान के लिए कल्याण है तो उसकी विशेष संख्या भी बनाई गई है। जैसे जिसकी जो कार्य होता है उसी प्रकार से जप करा करके और उस कार्य को सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पंडित गौरीशंकर शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर 65 ब्राह्मणों के द्वारा विशेष कार्य और इस भारतवर्ष में जो समस्याएं आ रही हैं और जो रोग हो रही हैं, जो आपत्तियां आ रही हैं, उस सबके निवारण हेतु ये यज्ञ करवाया जा रहा है। आज हम लोग बाबा मुक्तेश्वर नाथ दरबार में सभी ब्राह्मण एक साथ होकर के और इस जप यज्ञ को हम लोग कर रहे हैं। मैं पंडित गौरीशंकर शास्त्री माँ पीतम्बरा ज्योतिष निदान केंद्र का प्रवर्तक हूँ, और जिसे हमारे नेतृत्व में ही यह कार्य किया जा रहा है जो जन कल्याण के लिए है। ये बाबा मुक्तेश्वरनाथ सिद्धपीठ करीब 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। इस प्रांगण में सिद्ध हर कार्य सिद्ध किया होता है। सभी ब्राह्मण यहाँ आकर के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान माँ बगलामुखी के पितर्थ किया जा रहा है, जो 36 लाख का अनुष्ठान है 61 ब्राह्मणों के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है, और यहाँ से हर कार्य सिद्ध होता है। जन कल्याण के लिए बगलामुखी माता का जप यह हो रहा है, 61 ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाएगा, और जो 6 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 17 अप्रैल तक चलेगा, और 17 अप्रैल को इसकी पूर्ण आहुति की जाएगी।